हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक डॉक्टर विनी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है कि क्या टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है कि नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी सारे लोग इसमें परेशान हैं, उलझे हुए हैं, कोई सलूशन नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको सिंपल सलूशन दूंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसी धमाकेदार इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। So, दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि टिकटॉक इंडिया में चलता है, अदर कंट्रीज में चलता है, बट एक ऐसी कंट्री है जहां पर टिकटॉक बैंड है, स्टार्टिंग से बैंड है, कभी नहीं चला। उस कंट्री का नाम है चाइना। चाइना में टिकटॉक नहीं चलता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि टिकटॉक के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई, 59 ऐप्स के ऊपर क्यों पाबंदी लगाई इंडियन गवर्नमेंट में, क्यों लगाई? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को शक था कि इंडिया के जो यूजर्स का जो डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो चाइना में जाके शेयर हो रहा है। एक कंपनी है जिसका नाम है बाइट डांस, जो कि इन्वेस्टर है और टिकटॉक में इन्वेस्ट करती है, उसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 45,000 करोड़ रुपए टिकटॉक इंडिया से कमाता था, और एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है टिकटॉक को इंडिया में बैंड होने के बाद। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्या सच में टिकटॉक इंडिया में वापस आ पाएगा, इतनी सारी चीजें चल रही साइड बाय साइड। तो सबसे पहले टिकटॉक ने जो काम किया है, वो सबसे पहला काम यह किया है कि टिकटॉक का जो बेस था, सर्वर का बेस था, वो सिंगापुर बेस था और हांगकांग में इसकी जड़ें थी। तो टिकटॉक ने अपने आप को सबसे पहले हांगकांग से दूर ले गए हैं, हांगकांग से दूर ले गए, यानी कि जो टिकटॉक का जो संबंध था चाइना से, अब वो खत्म करने की बात हो रही है। और वापस से सवाल उठता है कि क्या सच में टिकटॉक वापस आ सकता है, क्योंकि आपको मैं बहुत ही अहम जानकारी देता हूं जिसको सुन के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, 2019 में भी टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ था। बैन होने के बाद टिकटॉक ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर केस ठोका। केस ठोकने के बाद वो मद्रास हाईकोर्ट में उस केस को जीत गए। उस केस को जीतने में एक अहम भूमिका निभाई थी मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, बट इस बार अभिषेक जी ने मना कर दिया कि वो टिकटॉक के लिए कोई भी केस इंडिया में नहीं लड़ेंगे। ये सुनने के बाद टिकटॉक को फैसला लेना पड़ा और अनाउंस करना पड़ा पब्लिकली कि अब वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी केस नहीं करेंगे, केवल सबूत रखेंगे दिखाते हुए कि उन्होंने कोई भी डेटा को इंडिया के बाहर नहीं शेयर किया है, वो साबित करेंगे केवल मीटिंग्स के थ्रू। केविन मेयर जो टिकटॉक के सीईओ हैं, उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख दी है और इन्वाइट किया है कि अब वो बातचीत के लिए तैयार है और सारा डेटा शेयर करने को रेडी है। तो एक और सवाल सामने आता है कि क्या सच में टिकटॉक वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, टिकटॉक क्या क्या चीजें कर रहा है। तो इस वीडियो में बने रहना, मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा और आपकी उम्मीद जग जाएगी सच में टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहली मैं बात बताता हूं आपको, टिकटॉक अभी आप लोगों के मोबाइल से, किसी के मोबाइल से टिकटॉक गायब नहीं हुआ है। टिकटॉक जरूर प्ले स्टोर से गायब हो गया है, बट आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर में आज भी वो जगह बना के बैठा हुआ है। अब वो जब तक नहीं जाएगा जब तक का गवर्नमेंट उसको ऑफिशियली बैन नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी उसको इंटरिम बैन लगाया है। इंटरिम मतलब कुछ समय के लिए। उनको मौका दिया है टिकटॉक को कि आप भी अपना पक्ष रखो, प्रूव करो कि वाकई में आपने डेटा को शेयर किया कि नहीं किया है। अगर टिकटॉक ये साबित करने में खरा उतरता है तो टिकटॉक आपके मोबाइल में वापस से आ जाएगा। दूसरी अहम जानकारी और जो कि आखिरी जानकारी है, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूं कि टिकटॉक का सर्वर जो कि सिंगापुर बेस सर्वर है, गौर से सुनिएगा, टिकटॉक का सर्वर सिंगापुर बेस सर्वर है, अब वो सर्वर इंडिया में लगाने की बात चल रही है, जिससे कि सबसे बड़ी चीज, काफी हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। टिकटॉक के इस वक्त इंडिया में 2000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इंडिया में। दूसरी बात, टिकटॉक आपके मोबाइल में वापस आ जाएगा, क्योंकि सारा डेटा जहां से उत्पन्न हुई थी सारी प्रॉब्लम की जड़, कि टिकटॉक जो है सारा डेटा को चाइना में शेयर कर रहा है, अब वो चाइना में शेयर नहीं होगा क्योंकि टिकटॉक का सर्वर अब तो इंडिया में लगने वाला है। इसका मतलब टिकटॉक आपके मोबाइल में वापस आ जाएगा, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर पसंद आया हो और इसी तरीके की धमाकेदार आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।